कोई भी बिगिनर जिसने अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है वो सभी लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने में लग जाते हैं। वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को एक एक करके सीखते हैं, जैसे कि डोजी, मारुबुजु, हैमर, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। और इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के बाद वो इनको रियल चार्ट में खोजता रहता है और पैटर्न मिल जाने पर ज़्यादातर वो पैटर्न का नाम भी भूल जाता है और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने में लग जाता है और ये जर्नी साल भर साल ऐसा ही चलता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसमें आप सीखोगे कि कैसे कैंडलस्टिक को बिना याद किए रियल चार्ट पे पहचाना जाता है और उसको पहचानने के बाद उस जगह पे ट्रेड लें या फिर नहीं लें ये डिसीजन भी सही तरीके से ले पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला तो वीडियो को डिसलाइक करके जरूर जाना। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें सबसे पहले कैंडलस्टिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर कोई कैंडल ओपन नीचे की ओर और क्लोज ऊपर की ओर हो रही है तो वो एक बुलिश कैंडल होती है और उसका कलर ग्रीन होता है। और ठीक इसका उल्टा, अगर किसी कैंडल का ओपन ऊपर की ओर और क्लोजिंग नीचे की ओर हो रही है तो वो एक बेरिश कैंडल होती है और इसका कलर रेड होता है। और ये हाई एंड लो उस कैंडल का एक रेंज एरिया माना जाता है। अगर आपका इतना बेसिक क्लियर है तो दोस्तों, जब भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने बन रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने आप से दो क्वेश्चन पूछोगे। नंबर एक, उस कैंडल का टोटल रेंज कंपैरिजन में क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन नंबर टू, उस कैंडल का साइज प्रीवियस कुछ रिसेंट कैंडल का कंपैरिजन में कैसा है। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन के आंसर में हम जान पाएंगे कि उस कैंडल के प्राइस को किसने कंट्रोल कर रखा है, बायर्स ने या फिर सेलर्स ने। जैसा कि आप इस कैंडल में देख सकते हो, प्राय नीचे की ओर ओपन हुआ है और थोड़ा नीचे की ओर जाने के बाद हाई ऊपर की ओर लगाया है और हाई के थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, इस कैंडल में हमें प्राइस दिख रहा है कि टोटल रेंज के कंपैरिजन में क्लोज हुआ है हाई के पास में। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर से हमें पता चल रहा है कि इस कैंडल को बायर्स ने कंट्रोल कर रखा है क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोज है वो हाई के नजदीक है। अभी तुम इस कैंडल को देखो, हो सकता है कि ये एक ग्रीन कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल हो सकती है, बट टोटल रेंज के कंपैरिजन में देखें तो इसका प्राइस क्लोज हो रहा है लो के आसपास में। इसका मतलब इसको सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तुम इन दोनों कैंडल को देखो, इसमें एक कैंडल बुलिश है एंड एक कैंडल बियरिश कैंडल है। ये दोनों कैंडल ही अपने रेंज कंपैरिजन में लगभग बराबर हैं। मतलब इस कैंडलस्टिक के प्राइस को ना तो बायर्स ने कंट्रोल कर पाया है ना ही सेलर्स ने। यहाँ पर एक तरीके से इनडिसीजन टाइप का प्राइस एक्शन हुआ है। इसीलिए दोस्तों, आप इन तीन पॉइंटों को याद कर लीजिए। नंबर एक, जब भी आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर वहां पर बाइंग कर रहे हो तो उसमें देखिए कि प्राइस बायर के कंट्रोल में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर टू, जब भी सेल डिसीजन ले रहे हो तो उसमें प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, जहां पर इनडिसीजन टाइप का प्राइस एक्शन हो रहा है, मतलब ना तो प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में, हमें वहां पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट सही तरीके से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों, अब आप कहोगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने सेलर्स और बायर्स को पहचानना सीख चुके हैं, बट हम दो से तीन कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको कैसे समझें। दोस्तों, अब आप सीख रहे हैं कि दो कैंडल को एक साथ किस तरीके से रीड किया जाता है। दोस्तों, स्पेशली तरीके से दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि सेलर्स एंड बायर्स को दोस्तों दो कैंडल के बीच में कैसे पहचाना जाता है कि कौन स्ट्रांग है, सेलर्स या फिर बायर्स। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो पहली कैंडल्स बनती है वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने देखना है कि वो कैंडल ओपन कहाँ से हुई है। अभी सोचिएगा दोस्तों, ये कैंडल अगर रेड कैंडल होती तो ये ओपन ऊपर से होती, क्लोज नीचे की तरफ होती, बट ये अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो ओपन ही दोस्तों यहाँ से हुई है और क्लोज दोस्तों इस जगह पर हुई, यानी ओपन ही इसका ये हो गया और ये हो गई दोस्तों क्लोजिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, इस डायग्राम में मार्क है कि यहाँ पर ये जा रही है ओपन फ्रॉम फर्स्ट कैंडल। पहली कैंडल का जो ओपन होता है उसको दोस्तों सबसे पहले मार्क करते हैं, उसके बाद दोस्तों जो प्लस है, दूसरी कैंडल हमारी जो बन के रेडी हो रही है वो हमारी यहाँ पर रेड कैंडल बन के रेडी हो रही है। तो दोस्तों, रेड कैंडल हमेशा ओपन ऊपर से होती है एंड क्लोज नीचे की ओर होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल ने क्लोज दिया। तो दोस्तों, अब जब हमारी नई कैंडल बनेगी वो किस तरीके से बन के रेडी होगी उसको समझिए। सबसे पहले हमें दोस्तों इन ये दोनों कैंडल ने इसका जो हमें सबसे पहले हाई मार्क करना होता है, जैसे कि इस कैंडल का हाई ये है और इस कैंडल का लो ये है। तो जहाँ पर दोस्तों डायग्राम में आपको नज़र आ रही है कि लाइन खींची हुई है, लो ये है आपका और हाई ये है,
इसी तरीके से लो और हाई दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक डायग्राम पे बना लेना है कि लो और हाई। इसमें दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, बट यहाँ से जो एरिया है ना, ये यहाँ पर सेलर्स हैं और इस नीचे वाले एरिया में ये इतने सारे जो बचे हुए हैं ना, ये सारी रेड कैंडल बची हुई है। तो ये रेड कैंडल दोस्तों यहाँ पर बननी है क्योंकि ओपन जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग, ये डिसाइड हम बाद में करते हैं। ये कैंडल नीचे से ओपन हुई है तो पहली कैंडल का दोस्तों हम देखते हैं क्या ओपन, पहली कैंडल का हम ओपन देखते हैं एंड जो दूसरी कैंडल होती है, दूसरी कैंडल अगर ग्रीन होती तो ओपन ऊपर की तरफ होता। तो इसी तरीके से चाहे नीचे की तरफ अगर रेड है तो नीचे क्लोज हो रहा है, ये क्लोज है। तो दूसरी कैंडल का हम देखते हैं दोस्तों क्लोजिंग, और इस ओपन और क्लोजिंग को मिलाकर दोस्तों एक नई कैंडल बनती है। अगर हमारा ओपन इस जगह पर हो रहा है यानी तो कोई भी कैंडल बनेगी तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ओपन ये है, क्लोजिंग ये है, तो दोस्तों क्लोजिंग हमारी यहाँ पर हो रही है यानी कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है तो इस चीज़ को हो रही है ना, इस रेंज में हो रही है, तो ये नया कैंडल बन के रेडी हो गया। और इस कैंडल का कलर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि इस कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक्स्ट्रा बच रही है, तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। अब दोस्तों आप इस कैंडल को किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये एक बियरिश कैंडल है या फिर बुलिश कैंडल है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि कलर्स का कैंडल से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इस कैंडल को दोस्तों पहचानने के लिए सबसे पहले इस कैंडल का आपको पता है कि इस जो ये ग्रीन कैंडल है, तो इसका दोस्तों क्लोजिंग ये है, ओपनिंग ये है, यानी ओपन ये नीचे की साइड हुआ है और क्लोजिंग यहाँ पर है। तो दोस्तों जिस कैंडल का जो क्लोजिंग रहती है, अगर वो दोस्तों हाई के पास में, ये हमारा हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, अगर ये क्लोजिंग हो रही है तो दोस्तों हम सबसे पहले क्लोजिंग को देखते हैं। अगर क्लोजिंग हाई के पास में हो रही है तो दोस्तों बायर्स स्ट्रांग रहते हैं, और क्लोजिंग लो के पास में रह रही है तो दोस्तों वहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो डिस्टेंस एरिया है वो हमारे यहाँ पर लो का काफ़ी पास में है, यहाँ पर का लो काफ़ी पास में है। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर इस कैंडल में, क्योंकि इतना जो सारा है ना, ये सारे के कौन यहाँ पर, ये सारे सेलर्स हैं, तो यहाँ पर स्ट्रांग सेलर्स हैं बट इसको पूर्ण रूप से कवर नहीं कर पाए, यानी पूर्ण रूप से इसमें सेलर्स स्ट्रांग नहीं हुए, लेकिन बायर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये कैंडल में दोस्तों सेलर्स स्ट्रांग माने जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हम सारी कैंडल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सीखेंगे दो से तीन कैंडल में प्राइस को किस तरीके से रीड किया जाता है, और दोस्तों किस तरीके से दोस्तों हम इन कैंडल स्टिक को पैटर्न को दोस्तों हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, हम बिना याद करे ही दोस्तों हम पहचान पाएंगे कि सेलर्स स्ट्रांग है यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर बायर्स स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या नोट करना है कि आपको सबसे पहले जो हमारी पहली कैंडल है दोस्तों वो ओपन कहाँ पे हो रही है, सबसे पहले उसको आपने नोट करना है। तो हमारी कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही है, उसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी कैंडल है ना वो दोस्तों कहाँ पर ओपन हो रही है, तो दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज हो रही है इस जगह पर, और ओपन यहाँ पर हो रही है, बट हमें ओपन पर ध्यान नहीं देना, क्लोज पर दोस्तों हमें ध्यान देना, हमारी क्लोज हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो ओपन है और इसका जो क्लोज है, और हमारा जो हायर पॉइंट है वो दोस्तों ये है, और लोअर पॉइंट दोस्तों हमारा ये है। तो सबसे पहले हम हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट का दोस्तों हम एक रेंज दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब उसके बाद इसका जो ये साइड में जो ओपन हो रहा है उससे वहाँ से हम दोस्तों इसका रेंज निकालेंगे, प्लस यहाँ पर जो प्राइस क्लोज हो रहा है उसका रेंज निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडल्स बन के रेडी हो रही है, एक कैंडल्स बन के यहाँ पर रेडी हुई है, यानी कि ये जो कैंडल्स बन के रेडी हुई है उसका दोस्तों क्लोज हो रहा है इस जगह पे, ओपन हो रहा है इस जगह से। ठीक है ना, इस वाले ओपन को दोस्तों और इस वाले क्लोज को हमें विशेष कर देखना होता है, और हमारा इस कैंडल का जो रेंज है उसका हायर पॉइंट ये है और लोअर पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये हमारी एक विशेष तरीका से एक कैंडल बन के रेडी हो गई। और दोस्तों हमारा नियम रहता है क्या कि जब भी कोई भी कैंडल्स बनती है इस तरीके से, हमारी कोई भी कैंडल्स निकल के आती है और उसका जो क्लोजिंग है अगर हाई के पास में रहता है ना, इस तरीके से हाई के पास में रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग रहते हैं, और अगर क्लोजिंग दोस्तों इस लो के पास में होता है, इस बाय द वे सपोज करिए कि अगर आपका इस तरीके से क्लोजिंग हो रहा है, ये आपका ओपन हो रहा है और ये दोस्तों आपका क्लोजिंग हो रहा है, तो दोस्तों अगर क्लोजिंग लो के पास में होगी तो सेलर्स स्ट्रांग रहेंगे। ये दोस्तों आपको नियम मैंने आपको पढ़ा दिया है, और जैसे आपके यहाँ पर दोस्तों इस कैंडल, ये कैंडल निकल के आई है हमारी, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि क्लोजिंग ये इस जगह पे है, और ये एक जो क्लोजिंग है वो दोस्तों हायर पॉइंट के दोस्तों पास में है। तो
यहाँ पर वायर्स स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको ये पैटर्न दोस्तों अगर याद आ रहा हो तो दोस्तों ये एक बुलिश पैटर्न है दोस्तों, हम जिसको बुलिश इंगुलफिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक ना। बुलिश इंगुलफिंग जो पैटर्न होता है दोस्तों वो पैटर्न है। और इसी तरीके से दोस्तों सारे जितने भी पैटर्न होते हैं वो बनते हैं। और इस तरीके से दोस्तों कैंडल रहती है, यानी कि ये बुल पैटर्न है, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम सारे चार्ट पैटर्न में डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है उनमें कितने बायर्स होते हैं, किस तरीके से सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, उसको हम समझेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हाई पॉइंट को दोस्तों ड्रॉ करना है, इसको लो पॉइंट को दोस्तों मेंशन करना है। इसके बाद इसका जो रेंज है इसको दोस्तों कवर करना है। इस तरीके से हमने कवर करा, पहले जो कैंडल है उसका ओपन देखना है। इसका ओपन दोस्तों नीचे से है, क्योंकि हमारी जो ग्रीन कैंडल होती है दोस्तों वो ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर की तरफ होती है। अब लेकिन जब इसका ओपन ऊपर नीचे की तरफ है और रेड कैंडल हमेशा ओपन ऊपर से होती है, क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है, तो इसका क्लोज है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसका जो नया कैंडल निकल के आएगा इसका जो रेंज है वो ये है। और यहाँ से दोस्तों हमारा एक कैंडल निकल के आया है, इस तरीके से एक कैंडल निकल के आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कैंडल दोस्तों निकल के आया है वो कैंडल हमारी इस तरीके से एक रेड कैंडल दोस्तों बन के रेडी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा यहाँ पर रेड का सर्कल दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो रेड है ना वो काफ़ी बचा हुआ, यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो दोस्तों यहाँ पर एक्टिव हैं। और इसका जो क्लोज हो रहा है दोस्तों वो लो के पास में हो रहा है, ये लो है और ये आपका हायर पॉइंट है। तो जिसका जो क्लोजिंग है यानी कि ये यहाँ पर क्लोज है और यहाँ पर ओपन है, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा ओपन जो होती है ना ऊपर की तरफ से होता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये रेड कैंडल है ये कैसे हमने तय किया, क्योंकि इसका जो ओपन है ओपन ऊपर से हो रहा है, क्लोजिंग नीचे की तरफ हो रहा, तो यहाँ पर जो स्ट्रांग है वो है यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर सेलर्स स्ट्रांग है तो ये कैंडल रेड ही मानी जाएगी। तो दोस्तों हम पहले ही हमें पता चल जाता कि इसका रेंज क्या है और इस कैंडल में कितने सेलर्स होंगे, कितने बायर्स स्ट्रांग रहेंगे। तो यहाँ इस कैंडल में दोस्तों बायर्स स्ट्रांग है, सेलर्स स्ट्रांग है। और इस कैंडल को दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो दोस्तों ये एक बियरिश पैटर्न है, जिसका दोस्तों बियरिश इंगुलफिंग नाम है, बियरिश इंगुलफिंग दोस्तों इस पैटर्न का नाम है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सारे पैटर्न को दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं और दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि हम दो कैंडल को किस तरीके से दोस्तों डीप तरीके से दोस्तों स्टडी करते हैं। अब चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं और पता करते हैं किस तरीके से सेलर्स स्ट्रांग है या फिर बायर्स स्ट्रांग है।